नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ और इस वक्त हमारे साथ हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचरित प्रसाद सिंह। हम इनसे हम जानेंगे कि इन दिनों पंचायती चुनाव के घोषणा के बाद सरगर्मी तेज हो गया है और कई जगह नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। क्या कहेंगे पंचायती राज चुनाव पर, क्योंकि इन दिनों पहले लॉकडाउन के कारण किसानों की हालत ख़राब था, उधर बाढ़ आया हिलसा के पश्चिमी इलाके में, उसके भी स्थिति खराब था। देखिए, हमारा देश गणतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित यह देश है। चुनाव तो समय पर होना ही चाहिए, जो संविधान बताता है उस आधार पर संविधान के अनुकूल जनसत्ता चलाने के लिए पंचायत से लेकर के देश तक सत्ता को कायम, सुचारू रूप से कायम रखने के लिए चुनाव तो समय पर होना ही होना चाहिए। हम इस चुनाव के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इस कोरोना काल में जो विगत दो वर्षों से हमारे देश की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति बिगड़ी है, जिसके वजह से हम आज उस परेशानी के दौर से चल रहे हैं जिसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने जो पंचायत चुनाव के प्रति जो अवधारणाएं दी हैं, कोविड 19 को लेकर के जो लोगों को गाइडलाइन एडॉप्ट किया गया है, उसका वो पालन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ गई है। आपने देखा यूपी चुनाव में जो पंचायत का चुनाव हो रहा था, उस संदर्भ में भी इस तरह के लोगों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनी का असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। हजारों हजार की भीड़, सैकड़ों की भीड़ की वजह से लोग एक दूसरे से जो सावधानी बरतने की जो उसके अंदर लाइन एडॉप्ट किया गया था, उसको सावधानी नहीं बरतने के कारण बड़े पैमाने पर कोरोना का फैलाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिससे हजारों हजार लोगों की मृत्यु वहां पर हुई थी। आज वही हालात, आज तीसरे वेव जो आने वाला है, अभी आप सुन रहे हैं कि अस्पतालों में बच्चों के बीमार पड़े रहने का माने जो है संख्या इतनी बढ़ गई है, वायरल इतना बढ़ गया है, जिसके वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे आज अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है उसको इलाज कराने के लिए। उसके बावजूद भी न प्रशासन सचेत है और न जन नेता सचेत है जो चुनाव लड़ने के लिए है, या आम जनता सचेत है, जिसके वजह से हम रोज देख रहे हैं नॉमिनेशन के क्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और उस कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके वजह से आने वाला भविष्य इस कोरोना को निमंत्रण दे रहा है, जिससे हम सब भयभीत हैं। इसलिए हम प्रशासनिक तंत्रों को, बिहार सरकार को और पंचायती राज को यह आगाह करना चाहते हैं या निवेदन करते हैं कि आप समय के पहले, अभी प्रारंभिक अवस्था है, समय के पहले इन नियमों का अक्षरशः पालन कराने की कोशिश करें, अन्यथा आपके लापरवाही से पुनः बिहार उस कोरोना काल के संकट में जूझने को तैयार हो जाएगा, जो संभाले नहीं संभल सकता है।